हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉप सेलेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर्स अगर आप एक फ्रेशर हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है आपके इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसे समय में आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है और जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर करेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी कि आपकी सलेक्शन वहाँ पर हो जाए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बने रहिएगा वीडियो में अंत तक तो सबसे पहला क्वेश्चन है वॉट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप क्या समझते हैं या फिर इसे ही पूछा जा सकता है वॉट डू यू मीन बाय रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों एक ही चीज है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इन मोस्ट ऑफ द केसेस डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है वो वाटर को लिया जाता है स्टैंडर्ड फ्लूइड जिसकी डेंसिटी होती है नियरली अराउंड थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वॉट हैपन टू द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस यानी कि विस्कोसिटी पर क्या फर्क पड़ता है किसी लिक्विड के अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो, तो देखिए फ्रेंड्स जैसे जैसे लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होने लगेगी है ना यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट हैपन्स टू दिस्कोसिटी ऑफ गैसेस चर इंक्रीजेस क्वेश्चन सेम है यहाँ पर लिक्विड की जगह आ गया है तो अपोजिट तो? तो होता, होता है जैसे जैसे गैसेस के टेम्परेचर इंक्रीज किए जाते हैं उसकी विस्कोसिटी बढ़ने लगती है तो यहां पर विस्कोसिटी इंक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉट डू यू मीन बाय प्राइमिंग प्राइमिंग से आप क्या समझते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये पंप से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इसको आपने फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़ा भी है और ये एक्सपीरियंस पर्सन से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्राइमिंग क्या होता है प्राइमिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें पंप के केसिंग में फ्लूड को पहले से फिल किया जाता है ताकि वहाँ पर जो एयर है वो बाहर निकल सके क्योंकि एयर रहेगा तो पंप जो है वाटर को लिफ्ट नहीं कर पाएगा इसलिए पहले पंप को स्टार्ट करने से पहले उसके केसिंग में उसके पूरी बॉडी के अंदर फ्लूड को फिल किया जाता है और उसे ही प्राइमिंग कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूड फ्लो यानी कि आपको बताना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हीट एक्सचेंजर होते हैं वे कौन कौन से होते हैं फ्लूड के फ्लो के अकॉर्डिंगली बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स होते हैं एज पर फ्लूड फ्लो है ना सबसे पहला होता है पैरल फ्लो हीट एक्सचेंजर जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं पैरल फ्लो हीट एक्सचेंजर में फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो पैरल ही होता है यानी कि एक ही डायरेक्शन में फ्लूइड का फ्लो होता है जो हॉट फ्लूइड है वो भी और जो कोल्ड फ्लूड है वो भी जबकि अगर हम दूसरे टाइप की बात करते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या होता है फ्लूइड का फ्लो अपोजिट होता है यानी कि काउंटर करता है एक दूसरे को एक डायरेक्शन में हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो दूसरी डायरेक्शन में कोल्ड फ्लूइड फ्लो करेगा तीसरा है क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर यहाँ पर क्रॉस फ्लो होता है यानी कि अगर वर्टिक हॉरिजोंटल फ्लो हो रहा है आपके हॉट फ्लूइड का तो वर्टिकल या फिर उस डायरेक्शन में रैंडमली क्रॉस करते हुए फ्लो करेगा आपका कोल्ड फ्लूड और वाइस वर्सा इसी तरह से तो ये तीन टाइप के होते हैं पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर और क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय बॉयलर माउंटिंग्स यानी कि बॉयलर माउंटिंग से आप क्या समझते हैं द आइटम्स विच इज यूज फॉर सेफ्टी ऑफ बॉयलर इज कॉल्ड बॉयलर माउंटिंग्स यानी कि जितने भी आइटम्स होते हैं जिनका इस्तेमाल बॉयलर्स में किया जाता है बॉयलर की सेफ्टी के लिए उसे कहा जाता है बॉयलर माउंटिंग्स जो आइटम्स फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो स्टॉप वॉल्व सेफ्टी वॉल्व वाटर लेवल गेजेस, फ्यूज़िबल प्लग ब्लो ऑफ कॉक प्रेशर गेजेस, वाटर लेवल इंडिकेटर ये सारी जो चीज़ें हैं ये बॉयलर के सेफ्टी पर्पस के लिए होती हैं और जो सेफ्टी पर्पस के लिए होती है उन्हें ही कहा जाता है बॉयलर मॉइंट माउंटिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बॉयलर से ही रिलेटेड है वॉट डू यू मीन बाय बॉयलर एक्सेसरीज तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको व्हाट डू यू मीन बाय बॉयलर माउंटिंग्स एंड बॉयलर एक्सेसरीज तो चलिए अब बताता हूँ मैं आपको बॉयलर एक्सेसरीज क्या होती हैं द आइटम्स विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ बॉयलर इज कॉल्ड बॉयलर एक्सेसरीज यानी कि ऐसे आइटम्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है बॉयलर की इफ़िशेंसी को इनक्रीज़ करने के लिए उन्हें कहा जाता है बॉयलर एक्सेसरीज फॉर एग्जाम्पल सुपर हीटर्स इकोनोमाइजर्स ये जो है ये एग्जाम्पल हैं बॉयलर एक्सेसरीज के और एयर प्री हीटर भी आप यहाँ पर कह सकते हैं तो इनसे क्या होता है बॉयलर की इफ़िशेंसी जो होती है वो इंक्रीज होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाट इज सुपर क्रिटिकल बॉयलर तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या होता है ये आपको बताना है तो देखिए द बॉयलर विच ऑपरेटिंग पैरामीटर इज अबोव क्रिटिकल पॉइंट है ना ऐसे बॉयलर जिसके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स जो होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स से भी ऊपर होते हैं उन्हें कहा जाता है सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स तो वो क्या होते हैं पैरामीटर्स यहां पर जो है प्रेशर जो है वो 221.2 बार से ज़्यादा होगा और टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा यानी कि 373 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा यहाँ पर होगा तो ऐसे बॉयलर्स जहाँ पर प्रेशर इतना हो टेम्परेचर भी इतना हो या इससे ज़्यादा हो प्रेशर भी इतना हो या इससे ज़्यादा हो उन्हें कहा जाएगा सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स और सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स की एक और ख़ासियत आपको बताता हूँ ये चीज़ भी पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स में स्टीम ड्रम की ज़रूरत नहीं पड़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका आईसी इंजन से रिलेटेड है वॉट डू यू मीन बाय कार्बोरेशन तो देखिए कार्बोरेशन से आप क्या समझते हैं कार्बोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कम्बस्टाइबल फ्यूल एयर मिक्सचर यानी कि कार्बोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्यूल और एयर के मिक्सचर को तैयार किया जाता है बाय मिक्सिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल एंड एयर बिफोर एडमिशन इनटू इंजन सिलेंडर यानी कि फ्यूल और एयर के मिक्सचर को पहले से प्रिपेयर किया जाता है इंजन के सिलेंडर में एंटर करने से पहले और जो डिवाइस इस काम को परफॉर्म करती है उसे कहा जाता है कार्बोरेटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय मेलेबिलिटी तो मेलेबिलिटी क्या होती है वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो उसे परमिट करती है कि वो मटेरियल जो है वो एक्सटेंड करे सभी दिशाओं में ऑल डायरेक्शंस में विदाउट रैप्चर यानी कि बिना ब्रेक हुए वो चारों दिशाओं में फैले अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो कि एक्सटेंड होता है उसमें अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इजीली एक्सटेंड हो जा रहा है चारों दिशाओं में तो उसे कहा जाएगा हाईली मेलेबल देखिए मेलेबिलिटी डक्टिलिटी इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें ये सारी जो है मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं और इसे पूछा जाता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी तो दोस्तों अगर एक परसेंट भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलविदा